हाथों में शिकायत की अर्जी के साथ नारे लगाते ये लोग उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के किसान हैं। ये लोग पंजाब नेशनल बैंक के कुबेर स्थान शाखा के मैनेजर पर सरकारी योजनाओं के लाभ से लेकर अपने पैसे निकालने तक के लिए रिश्वत मांगने के आरोप लगा रहे हैं। पिताजी के पेंशन का कुछ पैसा इसमें है 90,000। ये सारे डॉक्यूमेंट हमारे पास सब इसका ओरिजिनल शाखा प्रबंधक महोदय के पास जमा है। उसके बाद भी यानी 90,000 में 30,000 रुपया उनको अकेले चाहिए। करीब करीब 2 महीना से हम बैंक में केसीसी के लिए अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा किए हैं और मैनेजर चक्कर लगवा जितेंद्र गौड़ 20% कमीशन का मांग कर रहा है। सुन, मुद्रा लोन के लिए आया था इस बैंक पे, लगभग 1 साल से दौड़ रहा हूँ। इस बैंक मैनेजर से लोन के लिए कह रहा हूँ तो ये कह रहे हैं कि मैं आपको लोन नहीं दे सकता हूँ। हमको लगभग 10 महीने से परेशान किए हैं, वो देते नहीं है, कहते हैं कि अगले हफ्ते आइए, अगले महीने आइए, अगले महीने कर देंगे। शाखा प्रबंधन के इस भ्रष्टाचार के बारे में जब अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने पहले तो मामले की जानकारी होने से इनकार कर दिया, फिर शिकायत की जांच कराने की बात कही। पंजाब नेशनल बैंक कुबेर स्थान के प्रबंधक के द्वारा सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में ढिलाई बरती जा रही है या लापरवाही बरती जा रही है, इसे मैं संज्ञान में लेता हूँ और इसकी जाँच कराएंगे। अगर रिश्वत ना देने की वजह से सरकारी योजनाएं लाभ ना दिए जाने के ये आरोप सही हैं तो ये न केवल भ्रष्टाचार से निपटने बल्कि योजनाओं से जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के दावों को भी कटघरे में खड़ा करने वाला है। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से SN शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस।